नमस्ते, मैं प्रदीप गुप्ता। वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 में फिजिक्स का लेसन लाइट डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है लाइट। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि लाइट है क्या। व्हाट इज लाइट? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब लाइट होती है। बिना लाइट का हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। लाइट इनर्जी का एक फॉर्म है जो हम लोगों को देखने की क्षमता देती है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज भी है। हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था और पिन होल हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि लाइट ट्रेवलिंग स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रेवलिंग स्ट्रेट पाथ, लाइट सीधी रेखा में गमन करती है। शुरुआती दिनों में सबसे पहले पाइथागोरस साहब ने हमें बताया था कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। लाइट किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से। उसके बाद अभी हम लोगों का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चलता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट यह बताता है कि लाइट ड्यूअल नेचर का होता है। लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, अर्थात उसमें पार्टिकल के प्रॉपर्टीज भी वह शो करता है और इसके साथ साथ वह जो है वह रेडिएशन भी शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर ए पार्टिकल। लाइट इज, आई रिपीट इट, लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर ए पार्टिकल बट इट हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर। इट हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर। नाउ द इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन लाइट, रे ऑफ लाइट, द वेरी फर्स्ट इज वन रे ऑफ लाइट। वी नो दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट रे। सम वेयर द सोर्स ऑफ एनर्जी, द सोर्स ऑफ लाइट and the light travel from the source of light. Light always travel in a straight path. When we just imagine for a single line of light, just imagine from the single line of light
It is the ray of the light. Pause for a moment. Pause. The second term is beam of light. Beam of light. A group of light ray. A group of light ray travel from the source of energy. A group of light ray travel from source of energy is called the beam of light. जब प्रकाश के स्रोत से बहुत सारे लाइट रे गुजरते हैं, एक समूह में गुजरते हैं, ग्रुप में गुजरते हैं, तो उन्हें हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं. द थर्ड टर्म इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. हमारे यहां कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं, इमिट कर देते हैं. तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एनर्जी को इमिट कर सकते हैं, उत्सर्जित कर सकते हैं, उनको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. नेचुरल में जिसको हम जैसे सन हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सारे स्टार्स हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, फायरफ्लाइज हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. आर्टिफिशियल में बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिक बॉल, लैंप्स, कैंडल, ये सभी जब बर्न कर रहे होते हैं, जब प्रकाश दे रहे होते हैं, उस समय वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं. द फोर्थ वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स हमारे सराउंडिंग में वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपना लाइट नहीं है. द ऑब्जेक्ट्स हैव एन देयर ओन लाइट. वैसे सारे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना लाइट नहीं है, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. मीडियम. ए सब्सटेंस. मीडियम मीन्स द फिफ्थ वन इज मीडियम. एनी सब्सटेंस थ्रू विच द लाइट कैन पास इज कॉल्ड मीडियम. वैसे सारे पदार्थ जिनसे होकर के लाइट रे पास कर सकता है, उन्हें हम मीडियम कहते हैं. अभी मीडियम तीन प्रकार के होते हैं. मीडियम जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं अपने बिहेवियर, लाइट पास करने के बिहेवियर के आधार पर. द वेरी फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट मीडियम. वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट रे कंप्लीटली इस पार से उस पार तक चला जाए, उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं. एग्जांपल के लिए जैसे ग्लास, एयर, वाटर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम. द सेकेंड मीडियम इज ट्रांसलूसेंट मीडियम.
ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम दैट मीन्स द पार्शली द लाइट कैन ट्रेवल थ्रू इट पार्शली। जब इनसे लाइट जो है पार्शली इनसे होकर के ट्रेवल कर जाए, आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा, कंप्लीटली नहीं, पार्शली जब ट्रेवल कर जाए तो ऐसे मीडियम को हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम का एग्जांपल हम दे सकते हैं वाइली पेपर या बटर पेपर, थिन पेपर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मीडियम। द थर्ड वन इज ओपेक मीडियम और ओपेक सब्सटेंस। Those types of substance does not allow to travel the light through it। वैसे substance जो अपने से होकर के light को travel करने के लिए allow नहीं करते हैं, वैसे substance को हम ओपेक सब्सटेंस और ओपेक मीडियम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लाइट के फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।